भाई मेवाड़ी ब्रदर्स। हो जाओ तैयार प्रजापति, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार प्रजापति, हो जाओ तैयार। अर्पित कर लो तन मन धन, अर्पित कर लो तन मन धन, अर्पित कर लो तन मन धन, समाज सेवा में लगा दो मन। अगर समाज के काम नहीं आवे हो जीवन में, हो जीवन बेकार, हो जाओ तैयार प्रजापति, हो जाओ तैयार। युवा शक्ति में जोश भरो, समाज सेवा को करो, युवा शक्ति में जोश करो, समाज को तुम करो, रूढ़ी वादिता छोड़ के तुम रखो मधुर व्यवहार, रखो मधुर व्यवहार प्रजापति, रखो मधुर व्यवहार, रखो मधुर व्यवहार, रखो मधुर व्यवहार प्रजापति, रखो मधुर व्यवहार। हो जाओ तैयार प्रजापति, हो जाओ सभी अतिथियों के सानिध्य में हमने माँ सरस्वती और गणेश जी से प्रार्थना की कि ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचे, और ईश्वर से ये निवेदन करते हैं कि आप आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है। कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिल गिल तारे मैंने उंगली जलाई है। और खुशी की बात तब है कि पिताजी भी मंच पे हैं।
हमें कहीं भी अपने बच्चों के प्रोत्साहन के लिए एक पिता की जरूरत होती है। अगर मंच में पिता साथ खड़ा हो तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साइंस में 5 में 25% अंक प्राप्त किए। हमारे बीच कहते हैं पुरुष प्रधान समाज में हमेशा स्त्रियों को नीचे दबाया गया। एक लड़का घर में कुछ भी काम न करके चाहे 90% प्राप्त कर ले, एक बालिका घर में चौके का काम करती है, झाड़ू निकालती है, घर में मेहमान आते हैं तो चाय भी बनाती है और फिर 90% लाते हैं तो मायने रखती है। एक बार उन बालिकाओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस बीच में हम एक बालिका राधिका पुत्री श्री बल्ला जी, इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। आर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं साइंस की नहीं करूंगा। 87% 87% नाम है 87%। एक बार इस बालिका के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करें, राधिका पुत्री श्री बल्ला जी। म्यूजिक से इनका स्वागत किया जाए। एक बार आप तालियां जरूर बजाते जितने भी विद्यार्थी और मेरे सामाजिक बंधु बैठे। जो विद्यार्थी ये कैसे लोग हैं जो समाज को तोड़ने के लिए बम बनाते हैं, ये कैसे लोग हैं जो समाज को तोड़ने के लिए बम बनाते हैं। इनसे तो अच्छे जो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं, जो रेशम बनाते हैं। हमारे समाज को तोड़ने वाले सामाजिक बंधुओं का मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच बना रही है, कभी राजा लेसर जाने का काम पड़े, वर्तमान समय में राज के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर है और इतने मेहनती है कि मैं अगर अपने शब्दों से अगर आपको 24 घंटे अगर बताऊं तो मेरे शब्द कोश में उस इंसान के लिए कोई शब्द नहीं मिलेंगे। समाज के किसी भी कार्यक्रम में जब जब उनकी जरूरत महसूस हुई उन्होंने कोल उठाया नहीं तो वापस किया। ऐसी व्यक्तियों की समाज को जरूरत है, ऐसी व्यक्तियों को नहीं। कोल कब किया था मुझे देखा नहीं, पता नहीं, याद नहीं, कब किया, क्यों किया, ऐसे नहीं। मैं वैसे व्यक्ति प्रधानाचार्य शिक्षा जगत को अपना जीवन समर्पित करने वाले श्री जगदीश जी प्रजापति से निवेदन करता हूं कि आप अपने अनुभव से सामाजिक जीवन से हमें समाज को एकजुट करने की ताकत वाले प्रोत्साहन स्वरूप कुछ शब्द कहें जिससे हम आपके ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। भाई साहब जगदीश जी प्रजापति प्रधानाचार्य राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय राजा देसर। सबसे पहले तो सभी मंचस्थ अतिथियों को सादर प्रणाम नमन और सभी पधारे हुए व्यवहृत यहाँ के सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हमारे गार्जन और जिले या अन्य स्थानों से पधारे हुए सभी का इस कार्यक्रम में मैं भी मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मेरे को आपने यहाँ पर मौका दिया है तो मैं कुछ बात इन प्रतिभाओं के लिए जरूर कहूँगा। जो आज समाज की प्रतिभाएं हैं वो आगे चल करके इसी तरह से जिस तरह से आज मंच पे आपको अतिथि दिख रहे हैं उसी तरह से आप भी आने वाले समय में विराजे। प्रतिभाएं समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव है, इन प्रतिभाओं का सम्मान होना बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी को मैं एक बात बता देता हूं कि आपके अच्छे परसेंट आए हैं, अच्छे अंक आए हैं, किसी के 70 आए हैं, किसी के 90 आए हैं, पर इसमें एक खास बात यह है कि आपके 20% तो हम गुरुजन आपको देते हैं। पता है क्या आपको, 20% नंबर अगर 90% है तो आप उसको 70 माने, अगर आपके 70% आए हैं तो उन्हें आप 50 माने। और दूसरा बात ये नंबरों का खेल, इन परसेंटेज से कोई ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में
जब आप कक्षा में हो सकता है कि 40 बच्चे या 50 बच्चे या 100 बच्चों में कोई स्थान अर्जित कर ले, परंतु जिस समय आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो आपको एक बहुत बड़ी भीड़ मिलेगी, वहां पर लाखों की संख्या आपके साथ रेस लगाने के लिए होगी। उन लाखों की संख्या में जब आप किसी को पीछे छोड़ते हो तब पता चलता है प्रतिभा का। ठीक है, कक्षा में आपने अंक अच्छे प्राप्त कर लिए, परंतु जो गवर्नमेंट सेवा के लिए, मैं तो ये कहता हूं कि सबसे अगर हार्ड कोई गवर्नमेंट की नौकरी होती है तो राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल बनने की सबसे हार्ड नौकरी होती है। उसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट उस परीक्षा में बैठते हैं। कोई भी छोटे, अब अगर थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड टीचर की बात करें तो थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हमेशा मुझे ध्यान में भी है और मैं कहा भी करता हूं, ऊपर की मंजिल में हमेशा संख्या कम होती है, नीचे की मंजिल में ग्राउंड फ्लोर में बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट होते हैं या भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ऊपर की मंजिलें हमेशा खाली रहती है। तो इन प्रतिभाओं से मैं तो ये आग्रह करता हूं, आप तो ऊंचाइयों की तरफ, आसमान अनंत होता है और ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं होती। आप क्यों सोचें कि मुझे थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, ग्राम सेवक बनना है, पटवारी बनना है, आप ये सोचें कि मेरे को IIT करके इंजीनियर बनना है, मेरे को MBBS करके डॉक्टर बनना है, मेरे को IAS बनना है, मेरे को IPS बनना है, मेरे को अन्य जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं होती है उनमें जाना है या राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ने का ठान लोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब मैं तो ये मानता हूं कि आप जितनी भी प्रतिभा है वो मेरे से वास्तव में स्ट्रॉन्ग है। मैं एक पैर का व्यक्ति होते हुए भी एक फर्स्ट RPS से मैं लेक्चर बना था 2003 में। उस समय घर में इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, कम संसाधनों, जो संसाधनों का रोना रोते हैं वो झूठे रोते हैं, कोई संसाधन से आगे नहीं बढ़ता। संसाधन तो मान लो कोई बहुत बड़े सेठ होते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, परंतु उनका बच्चा भी दुकान में बैठेगा वो बड़ा अफसर नहीं बना पाएंगे। परंतु समाज के लिए कुछ करना और बड़े पद को अर्जित करना, उसके लिए बहुत जरूरी है आपके मन में जो लगन है, आपके मन में जो आत्मविश्वास है, उसी से आप आगे बढ़ पाओगे। तो अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें और हमेशा अपने घर परिवार में अपने बड़ों का, अपने माता पिता का और जो अग्रज हैं उनका आप हमेशा मान सम्मान करें, और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें उनको भी आप हमेशा याद रखें। मैं मेरे सामाजिक बंधुओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल परिस्थितियां बदली है तो लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए, अधिक से अधिक उनको शिक्षित किया जाए। अगर एक लड़की पढ़ेगी तो दो परिवार पढ़ सकेंगे, दो परिवारों में उजाला होगा। अगर एक लड़की नौकरी लगती है, जॉब लगती है, तो भी वो दो परिवारों के लिए काम आती है। तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएं और इनकी शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। और किसी भी तरह की जो कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, ठीक है, अपन समाज के लिए सम्मान समारोह बहुत उचित है, परंतु इस तरह का एक प्रयास करें कि कहीं पर अपने अपने समाज के बच्चों को कोई कोचिंग की व्यवस्था दे सकें, या कोई पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए किसी भी तरह की अगर व्यवस्था कर सकेंगे तो अपने समाज का बहुत बड़ा विकास होगा, समाज का उद्धार होगा। हालांकि मेरे को जुगल किशोर जी ने बुलाया और मैं यहाँ पर पधारा और जो मान सम्मान दिया, इसके लिए भी मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मेरे को ऐसे उचित समझा है कि आपने मेरा इतना मान सम्मान किया। पर हमेशा ऊंचाइयों की तरफ सोचो, आगे बढ़ने की हमेशा ललक रखो। और आज के समय में सबसे बड़ी एक कोई बुरी प्रवृत्ति या बुरी चीज है वो है मोबाइल। इस मोबाइल की जितनी संगति अगर आप ज्यादा करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, पीछे रह जाओगे। इस मोबाइल पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या अन्य कोई भी सोशल मीडिया की चीजें हो, उनसे आप पिछड़ जाओगे। इस मोबाइल की संगति छोड़ दें। हालांकि इसमें जो उपयोगी चीज है, आप इंटरनेट से बहुत सी जो आपकी विषय वस्तु या जो ज्ञान बढ़ा सकते हैं उस चीज में अगर काम में लेते हो तो कोई बात नहीं तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा, पहले क्रिकेट है वो दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करता था, और अब मैं कहता हूं कि मोबाइल दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करता है। तो आप इस मोबाइल से दूरी बनाओगे तो आगे बढ़ोगे। और मैं तो ये कहता हूं कि जो आज जिनके अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो हमेशा आगे बढ़ती रहें, हमेशा आगे बढ़ेंगी। खूब खूब धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। आगे 12वीं कला वर्ग के
आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिल गिल तारे मैंने उंगली जलाई है
आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले हैं। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले।